अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। तो ये देखें, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें, सही है। तो ये देखिए, आज मंगल था, मंगल बाज़ार में गई थी राशन लेने। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये लाई हूँ। ये पालक भी नहीं है, मूली के पत्ते भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये। यहाँ के कोई पत्ते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। फिर भी मैं ले आई। मैंने कहा, वो बोल रही थी, बेच रही थी, ऐसे 15 रुपए की गड्डी देते हैं ये वाली। ये देखे, इतनी बड़ी गड्डी है। और क्या नाम से ये ना 15 रुपए की एक देते हैं। वो शाम हो गई थी बहुत, तो वो जा रही थी, तो बोला नहीं, एक सुराख में निकल गया। देखे, 2-3 ही सुराख, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो मैंने देखा ही नहीं, सही से साफ करना पड़ेगा। तो उसने बोला था, ये ले लेना, ये क्या ना से बना के खाओ, अच्छा लगता है। ये लोग तो सिर्फ नमक में उबालते हैं, हमारी तरह मसाले वाला नहीं बनाते। मैंने फिर भी ले लिया। बोल रही है, जा रही हूँ तो ना जैसे 15 रुपए की 2 ले ले, ये अच्छा बनता है, एक बार बना के देख ले। मैंने कहा सही है, ले लेती हूँ। तो ये मैं 2 गड्डी लाई, यहाँ के देख रही हूँ कुछ पत्ते सुराख भी है, तो मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। तो ये मैं 2 गड्डी ले आई। हाँ, बैंगन भी ना आजकल सस्ते हो गए हैं, तो बैंगन ना जैसे 20 रुपए का किलो लाई हूँ। हाँ, मुझे ना 20 रुपए का पड़ा। मैं ना कुछ गोल ले आई, ऐसे ना मैं छोटे छोटे चुन रही थी, बड़ा दिल चाह रहा था ऐसे छोटे वाले मुझे मिल जाए, मगर वो मिले नहीं। ऐसे खट्टे बैंगन बनाओ, ऐसे अच्छा लगता है ना। तो मैं 2 जगह बोल रही हूँ, 2 किलो लेने वाली थी। मैंने कहा फिर छोड़ दो, 1 किलो ही बहुत है। कुछ मैंने लंबे, ये 2 लंबे उठा लिए। ये दोनों को ना मैं फ्राई करूँगी ऐसे, ये लंबे वाले ना जो तो फ्राई करके खाओ अच्छा लगता है। गोल वाले सब्जी के लिए उठा लिया, एक तो चुन चुन के लेती हूँ, फिर भी देखो थोड़ा सा दाग निकल आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, वो देख देख के लेती हूँ। फिर भी ये लंबे वाले मैंने फ्राई के लिए लिए हैं, और वो गोल वाले मैंने जैसे ये देखो फिर से तो ये देखो वो क्या नाम से सब्जी के लिए लिया है। तो ऐसे मैंने ये 1 किलो ले लिया है। और मैंने ये देखे खीरा लिया, 2 किलो खीरा ना मुझे सस्ता पड़ा, 10 रुपये का किलो दे रहा था, आज तो सस्ता था। तो मैंने खीरे ना 2 किलो उठा लिए। मैंने कहा चलो सही है, उठा लेती हूँ 2 किलो, छोटे छोटे से चुन चुन के लाई, बड़े भी थे मगर वो नहीं लिया मैंने। तो ये देखे 2 किलो में खीरा 20 रुपये का उठा के ले आई, सही है। तो और क्या लाई, हाँ, और ये देखे टमाटर ले लिया मैंने, टमाटर मुझे 15 रुपये का किलो पड़ा। तो मैं ये 2.5 किलो है जैसे ये टमाटर है ना, मैं 2.5 किलो टमाटर ले आई। वो थैली में डाला था तो भाई ने बोला तो देखो कितना आ रहा, तो उसने बोला 2.5 किलो। तो ये 2.5 किलो ले लिया। हमने कहा छोड़ दो, इतने मुश्किल से चुन चुन के निकाले हैं मैंने, क्या मैं वापस डालूं बोल के मैंने ये वो 2.5 किलो ले लिया। तो ये प्याज लिए, प्याज छोटे वाले लिए, पहले भी बताया था बड़े वाले से मीठा मीठा सा जायका हो रहा। ये प्याज कितने का लिया, हाँ प्याज ये 12 रुपये का किलो लिया। और आलू देखें, आलू ये छोटे वाले लिए, आलू भी 10 रुपये का किलो लिया। ये लोग ना ऐसे छोटे छोटे आलू ना नाश्ते में उबाल के खाते, हम तो सालन में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, ये लोग ना जैसे उबाल के नाश्ते में खाते हैं, जैसे ये छोटे आलू बहुत खुशी खुशी खाते हैं उबाल के। तो और ये लिया 0.5 किलो फली, ज़्यादा नहीं लिया, मैंने कहा छोड़ दो ज़्यादा नहीं ले रही मैं बोल के, ये 0.5 किलो मैंने फली ले लिए। तो इसमें से ना मैंने कुछ ना ऐसे लिए, ये वाले ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ना एक अलग नस्ल की होती है ये, हाँ ये देखे ऐसे, ये इसका ना कलर ऐसा है, आपको दिखाई दे रहा है आ? ओके, मैं आपको सही से दिखाती हूँ, है ना, ये देखे इस क्यों नहीं दिखा पा रही, हाँ ये देखो, देखा ना अच्छा है ना, हाँ ये देखे। तो ये ना ऐसे मल्टी कलर में होता है, 2 कलर में, जैसे ये अलग नस्ल है और ये अलग है, जैसे ये सब्जी में खाते हैं लोग, और ये जैसे इसके ना बीज निकालते हैं, जैसे इसके दाने मोटे मोटे होते हैं, ये बीज इसके अंदर का बीज लेके खाते हैं ये, ऐसा वो भी सालन में डालते हैं, तो ये भी सब्जी बनाते हैं ये लोग।
तो इनका ना सब्जी बिल्कुल ही फीका होता है ना। आज ना मैं चीज़ें कम लाई, मैंने तो फायदा नहीं है इतना सारा, पिछले बार का भी मेरे पास पड़ा हुआ था। ये क्या है, खाती नहीं क्या है। हाँ ये धनिया है, ये देखे धनिया गड्डी भी कैसे छोटी छोटी कर दी, पहले बड़ी थी। ये ना 10 रुपये का एक दिया मुझे बंडल, ये देखे ये 10 रुपये का एक था तो मैं 2 उठा के ले आई। मैंने कहा धनिया तो हर चीज़ पे ज़रूरी है ना, ये तो ज़रूरत पड़ती है ना धनिया की, तो इसलिए मैं धनिया ना जैसे 2 गड्डी उठा के ले आई। और इस बार ना मैं भूली नहीं, मैं ये मधुनियाज भी उठा के ले आई। देखा कैसा है, इसकी खुशबू भी अलग है और ये दिखने में एक जैसे लगते हैं मगर ये ज़रा पतले पतले हुए नाजुक हल्के हल्के हैं इसके पत्ते। और ये मधुनिया से इसके ये वज़नी होते हैं, ये वाले बहुत कम लोग खाते हैं इसलिए महंगा ज़्यादा देते हैं। ये मुझे 5 की गड्डी पड़ी आज ना, जैसे बिल्कुल शाम के टाइम गई थी ना, इसलिए ये मुझे 5 रुपये की गड्डी पड़ी। ये सस्ता नहीं किया इन्होंने, एप तो देखो फिर से ख़राब निकला। एक तो चुन चुन के लाती हूँ फिर भी मुझसे गलत हो जाता है। ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही लाल दिख रहा है, पर इतना लाल लाल नहीं है, ऐसे हरे पत्ते हैं सही है। तो ये देखिए ये 2 गड्डी है, ये 5 की मुझे जैसे मधुनिया मुझे 5 की पड़ी, ये 5-5 की पड़ी तो मैंने 2 गड्डी ले ली। और ये ली मैंने, ये मुझे 10-10 की पड़ी, ये देखो ये मुझे 10-10 की पड़ी। बस आज इतनी सी चीज़ें ली मैंने ना, जैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं ली मैंने, मैंने कहा इतना ही बहुत है बोल के मैंने इतनी सी चीज़ें ले ली। क्या मैंने कहा इतना सारा लेके ना ज़ाया करूँ, आलू प्याज भी थोड़े से थे फिर भी मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, ख़त्म हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर गई मैं सुपरमार्केट, हाँ सुपरमार्केट जाने से पहले मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, मैंने वहाँ एक और चीज़ ली है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो फैक्ट्री से छोटे छोटे टुकड़े आते हैं तो वो लोग बेचते हैं ना, जैसे इस बार ना ये टुवाल के कपड़े आए थे, उसे जैसे नए टुकड़े होते हैं बस किनारे से सिलाई लगा दी थी इन्होंने, तो ये ना एक दे जैसे 10-10 रुपये का दे रहे थे। जैसे ये छोटे टुवाल होते हैं ना जो काट के जो पीस बचते हैं तो वो भी सीके ला के ना ऐसे बेचते हैं ये फैक्ट्री से ना, जैसे मेरे ख्याल से वहीं से एक ही बार सीके लाते हैं, तो ये बेच रहे थे ना। मैंने ऐसे ये भी मैंने कहा जैसे चूल्हे के लिए पानी वानी साफ़ करने के लिए सही है, अच्छा है ना, सही है ना, हाँ कलर भी सही है ऐसे। तो नए टुकड़े होते हैं ना जैसे, तो रश लगा हुआ था अच्छे ज़्यादा और भी आए होंगे बिक चुके थे, मैंने कहा मैं जाके देखूं क्या मिल रहा है। तो ये देखा ये टुवाल आए थे तो आधे से ज़्यादा अच्छे वाले ना जैसे बिक चुके थे, फिर भी मुझे ये 2 मिले, मैं ये 2 उठा के ले आई। मैंने कहा पानी साफ करने के लिए जैसे चूल्हे के काम के लिए अच्छा है ना, जैसे तुम हाथ वाथ भी साफ कर सकते हो, इसलिए मैंने ना ये 2 लिए। बड़े बड़े टुवाल जो मिलते हैं मैंने जैसे मॉल में बाज़ार में देखा है, ऐसे में ना जैसे बड़े बड़े टुवाल मिलते हैं तो ये जो पीस बच जाते हैं ना वो सी के ना ये लोग ले आते हैं, जो वहाँ काम करते हैं वो लोग लाते होंगे फ्री में। ये लाई एक देखो, ये मैं दिखाई नहीं पा रही, कपड़ों में डालने के लिए जैसे खुशबू है ना, यहाँ सर्दियाँ होती है ना तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, तो ये चीज़ भी लाजमी होती है लिक्विड, तो मैं ये ले आई थी जैसे कपड़ों से खुशबू आती है धोते वक्त डालो, तो ये ले आई। और मैं एक लाई ये कोलगेट, ये एक ले आई, तो यही चीज़ें थी बस आज मैं उठा के ले आई। मैंने कहा बस थोड़ी सी चीज़ें लाती हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं लाऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखा करें, सही है, इतनी मेहनत तो करती हूँ ना। हाँ देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी हरी हरी ये सब्जियाँ, है ना अच्छी लग रही है ना, हैं तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब फिर से बोल रही हूँ कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, जीते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे हमेशा।